मिनट के अंदर अपने आप को थाने में समर्पण कर दूंगा। ठीक है पांडे जी, दोनों लाद थाने ले चलो, अब पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के भेजो। हाथ ले चलो। हाँ हाँ हम ना ले जाओ। क्यों कहा साहेब आपको तनी सोचा समझा करा, न दतुई न कुल्ला न चाय न पानी, पहले लहाते ही होगा। ऐसा तुम नहीं करे है तो इतना पानी भरा जाए मुढ़ो ले हुमा। हाँ सही लहसिया ले जाए वो हिमने डाई दी। हाँ ले जाओ। हाँ ले जाओ। चमन कुमार अपना वादा नहीं भूलता सर। ठीक है मैं जा रहा हूं। बड़े भैया आज मुझे लक्ष्मी की याद आ रही है ना मालूम क्यों। एक बार बेच रहा है कि अखबार बेच रहा है? एक बार वाले। अरे यार ये अखबार कह रहा है। कहां का बार बेच रहे हो? हो गई एक बार ले लो अखबार वाले। एक अखबार लाओ, पांच रुपया दो। पांच रुपया छुट्टा है? छुट्टा 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 कितने के यार? 500 के नोट भर। मेरे टाइम को ही टाइम खिटिंग मत करो, पर एक कौन सा बार दिखा नहीं। बड़े भैया इससे बात करो ना। अखबार वाले भाई बोलो भाई, मैं 5 का तुम्हें 50 दूंगा, या तो आपके पास 500 का छुट्टा हो तो मैं आपको दूं। फसावट यार तुम लोग में बोलनी होगी, मैं तुमसे छुट्टा करूं। भाई जान मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूं, सच बोल रहा हूं। नहीं देगा 50 दूंगा, 5 का 50 दूंगा। काल देगा? ठीक है अगर छुट्टा हो गया तो मैं आज ही दे दूंगा। आज ही देगा? कई बजे यार? जब चेंज हो जाएगा मैं दे दूंगा। कल दे ही दैनिक जागरण बचा बो लो भाई, अब मेरे पास एक कबार नहीं है। अरे यार जाओ अखबार को बार बताता है। बड़े भैया ये देखो मैंने हेडिंग में लिखा गया है कि लक्ष्मी नाम की औरत अपने बेटे के हत्या के इल्जाम में सुबह 6 बजे उसकी फांसी होगी। बड़े भैया अरे मुन्ना क्या सुना, कहीं कलावतिया भाग गई तो एक जान फिर चली जाएगी। मुन्ना सारी सेवा खत्म करते चलो मेरे भाई चलो।
लागत करी प्याज बना रही से मेरा नाम लिया बल मेरे मासूम के साथ क्या कर रही ये बिटवा अरे तोहर बिटवा अरे मान नाती है अरे हमें का खिलावा तू लारत रही बिटवा कहा सलाई के ये बिटवा देखा है आजकल का चुपचबाना इतना खराब है कि सासु पतोहु में नहीं पटाता देवरानी जेठानी में रचनी रचनी बातें छोटी छोटा हो जाता है का बिटवा में नहीं पटाता अरे हमारा नाती अकेला ही है हमारे पास धनी धान दौलत है से गणा थले के दाम सिखावत रहे ताकि ये करके वे बाल बाटा ना कर सका बेटा हो अरे हम भारतीय में हराल लाई जाना है बाबा भोलेनाथ हम अपने कंठी माला कसम खाई कर नहीं बेटा हम तरीका झूठ नहीं बोला नहीं अगर तोहका ना विश्वास हो तो सब भैया बाबू हरे माई बहन हरी बैठी है पूछ ले जाओ पूछ लो पापी क्योंकि तेरी बातों पर और तेरे कामों पर मुझे भरोसा नहीं रहा भैया हरे सुबह के टाइम आए भगवान भास्कर अपने रक्त वर्ण किरणों के साथ उदयांचल से प्रखरित हो रहे हैं काली पापिन जो कहा दिया है दाव सिखावत रही कि दाव लगावत रही कहा था मेरे सोरा सब कमर भैया मामा भाई क्या देखा सब कहा था कि सिखावत रही बापरे ये पारे मार पर आ तो
बड़ा भैया, माँ से फिर बात कर सकते हो। बच्चे की हालात ठीक नहीं है, इसलिए माँ संतोषी के मंदिर है, आप माँ का आराधना करो। मैं हर की मिट्टी इसके माथे पे लगाऊ, हो सकता बच्चा होश में आ जाए। जिंदगी में जब कहो संभाला, तूने मुझे दुख के सिवाय कुछ नहीं दिया मालिक। अचानक तूने मेरी माँ को मुझसे छीन लिया, क्या बड़ा हुआ। घर परिवार संभालने की जिम्मेदारी जब संभाला, तूने मेरे बाबूजी को मुझसे छीन लिया। मेरी पत्नी थी, आपने मेरी पत्नी को मुझसे छीन लिया। अरे एक बेटी थी, आपने उसे भी छीन लिया। जिंदगी का पार केवल मेरा बेटा बचा है मालिक। अगर मेरा बेटा आज नहीं उठा तो ये चमन जो सुल्तान बना है ना, अरे वो इतना कायर बन के जमाने पर गिरेगा कि अच्छा और बुरा कुछ नहीं सोच पाएगा। इसलिए हे मालिक, तो मेरे बच्चे को नया जीवन दे। मेरी मैं तो दूंगा कि तेरी मंदिर पत्थर की और तेरी मूरत पत्थर की और तेरा दिल भी पत्थर का हो।
अपने वादे के मुताबिक आ गया है और साहब उस कातिल को भी साथ लाया हूं जिसने एक नहीं साहब चार चार खून किए हैं और यकीन नहीं है तो ये पापिन राक्षसी और डायन जो खड़ी है कलावतिया आप इससे पूछ लीजिए। मोबाइल चोरी कर रखी थी? नहीं है। जिसे हम बच्चे आई थी कैसी? अपने भगत जो मैं पूछूंगा तुम्हें साफ साफ बयान देना होगा, झूठ बोलने की कोशिश मत करना। तुम्हारे घर में जितने कांड हुए हैं किसने किया है? हाँ साहब, सुबह के समय मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी साहब। अरे हमारे घर में जितने भी कांड जितने मर्डर हुए हैं सबकी गुनाहगार मैं हूँ साहब, सबकी गुनाहगार मैं हूँ। अरे मैंने अपने पति को मार दिया, मुझे कोई गम नहीं। मैंने अपनी बहू को भी मार दिया, उसकी भी चिंता नहीं। अरे आज सही बात तो यह है कि तुम तो मुझे इस बात की है कि मैंने अपनी नातिन और छोटे से अपनी नाती को मार डाला। सुल्तान सिंह हम मेला माली की उमाए हुई सभी दर्शक बंधुओं का अपनी पार्टी की तरफ से बार बार आभार प्रकट करते हैं जो आप लोगों ने रातभर अपना समय प्रदान किया। कभी भी जरूरत पड़े तो आप एक फोन करेंगे, पार्टी हाजिर होगी। मिलने का पता है फूलपुर रेलवे फाटक छिनरा रोड, सिकंदरा रोड, ये बार प्रेम